Good morning, dear students. In our previous class, we had discussed about point 4. That was, fourth point was types of sentences. We introduced the study of English grammar. And now, we are in continuation of the first chapter, that is some basic concepts. So, as it has been made clear to you, we will be studying a whole grammar under the heading an outline on English grammar. So again, I have to mention the heading, that is an outline on English grammar. We are still in chapter 1. And now we are studying some basic concepts, कुछ मौलिक जानकारी. Till now we studied to point number 4, that was type of sentences. In point number 5, we are going to study some analysis. A brief analysis. Brief analysis of the types of sentence. A brief analysis of the types of sentences. That is. First, वाक्यों का प्रकार. नंबर वन, एग्जाम्पल के लिए पंखा चल रहा है, जिसको आप हिंदी में जैसे बोलते हो पंखा चल रहा है, इंग्लिश में हो गया फैन इज मूविंग. तो हियर आई एम राइटिंग 3 पॉइंट्स. पंखा चल रहा है, सुनने में क्या लग रहा है? नंबर वन, पॉइंट ए, सुनने के हिसाब से अर्थात मीनिंग के हिसाब से, इसको हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी, ये एफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य. इसको अन्य प्रकार से एसर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, एसर्टिव. इसको स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन टू बी स्टेटमेंट सेंटेंस. स्टेटमेंट सेंटेंस. नाउ आई एम मेंशनिंग पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस 2 पॉइंट्स नाउ. लेट मी फर्स्ट कंप्लीट ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देन आई विल बी आई एम डिस्कसिंग अबाउट व्हाट वी हैव टू स्टडी फॉर पॉइंट बी एंड फॉर पॉइंट सी. नंबर 2, पंखा नहीं चल रहा है, इंग्लिश में जिसको आप लिखते हो फैन इज नॉट मूविंग. पंखा नहीं चल रहा है, सुनने में क्या है ये? नेगेटिव. मीनिंग वाइज ये नेगेटिव सेंटेंस. पंखा नहीं चल रहा है, कोई पंखा नहीं चल रहा, पंखा कहीं नहीं चल रहा है, ऑल दीज आर नेगेटिव इन नेचर. For a student, it is not difficult to identify just listening to a sentence, to say as regards what type of sentence that is. एक वाक्य को सुनते ही एक student को ये बताने में कोई problem नहीं होगा कि वो sentence affirmative है कि negative है कि intuitive है. जैसे पहुंच मैं कहीं नहीं गया था, सुनने में क्या लग रहा है आपको? negative है. मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, ये भी negative है. कोई वहां नहीं जा रहा है, this is also negative. So it is not difficult to identify the type of sentence. That is, again, I am not discussing point B and point C, but they will be discussed later on. Number 3, क्या पंखा चल रहा है? English में क्या है? Is fan moving? क्या पंखा चल रहा है? सुनने में क्या लग रहा है ये? Question. Meaning wise.
मीनिंग वाइज, मीनिंग के हिसाब से दिस इज इंट्रोवर्टिव. प्रश्नवाचक वाक्य ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, दिस टू पॉइंट्स विल बी डिस्कस लेटर ऑन, इनको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. नंबर फोर, पंख को चलाइए, मूव फैन. एज आई मेड इट क्लियर इन लास्ट लेक्चर दैट आई एम नॉट गोइंग टू पुट द हियर, यहां पर द को मैं नहीं लिख रहा हूं, बट व्हेन आई गो टू राइट द सेंटेंस करेक्टली आई हैव टू मेक मेंशन ऑफ द. मूव द फैन, पंख को चलाइए. My purpose is to make you feel, how do you feel at the time of speaking your Hindi or using your Hindi. Hindi likhte samay, aap kya bolte hai, pankha ko chalaiye. In that sentence, in Hindi, I'm trying to find out, you're not making use of any other thing. But in English, what is happening? Sometimes, some words are used which are not visible in Hindi. इंग्लिश में वाक्य बनाते समय कुछ ऐसे शब्दों को यूज किया जाता है जो कि हिंदी में सुनाई नहीं देते हैं. तो हिंदी में द के लिए कोई शब्द वहां पर सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए फॉर दैट रीजन डेलिबरेटली आई डिड नॉट मेक यूज ऑफ द हियर. तो ये सुनने में क्या लग रहा है? आदेश. आदेश को क्या बोलते हैं? इन अ प्रीवियस क्लास आई हैव डिस्कस्ड दैट इज इंपरेटिव. इंपरेटिव इसमें क्या होते हैं? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वार्निंग, थ्रेट, प्लीज पंखा को चलाइए, इस किताब को खरीद लीजिए, बच्चों को खेलने दीजिए, ये सब सेंटेंस इंपरेटिव है. इसमें क्या होता है? इंपरेटिव में ऑर्डर भी होता है, रिक्वेस्ट भी होता है, एडवाइस भी होता है, इस प्रकार के होते हैं. दैट इज सलाह भी होता है, वार्निंग भी होता है, चेतावनी भी होता है. दैट इज पॉइंट बी एंड पॉइंट सी विल बी डिस्कस लेटर ऑन. पॉइंट नंबर फाइव, यदि पंखा चल रहा होता, यदि मेरे पास पैसा होता, यदि मैं वहां गया होता, कल्पनात्मक वाक्य जिसको हम लोग यदि पंखा चल रहा होता तो. हिंदी में क्या? यदि पंखा चल रहा होता. इंग्लिश में क्या? अब लिख चुके हो ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी रिटन इफ फैन वेर मूविंग. यदि पंखा चल रहा होता. सुनने में क्या लग रहा है? कल्पना, इच्छा और चाहत. इसको हम लोग क्या लिखते हैं? In our previous lecture, we have known that it is called optative sentence. Optative. This optative word is derived from the word optional or opt. Opt means kya? Chayan karna. They say when you take some subject either in school or in college, and sometimes you have to choose the subject, so they are called optional subjects. Means you opt for them. Opt word se bana hai, isliye usko bolte hain optative. वो चीज है नहीं लेकिन हम उसको चयन कर रहे हो. ऑप्टेटिव में क्या होता है? कल्पना, इच्छा, चाह. भारत यह मैच जीतते, आज बारिश हो, हर किसी का घर हो, हर किसी को यह नौकरी मिले, आपको यह नौकरी मिले, इस टाइप के वाक्य इस कैटेगरी में आते हैं. इसमें कल्पना भी होता है, इच्छा भी होता है, चाहत भी होते हैं. दैट इज पॉइंट बी एंड पॉइंट सी विल बी डिस्कस लेटर ऑन. नेक्स्ट, बिकॉज there's some shortage of space here, space की जगह की कमी के चलते यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं, so I'm putting it here. मैं इसको यहां लिख रहा हूं. नंबर सिक्स, नंबर सिक्स सेंटेंस टाइप्स. नंबर सिक्स क्या? पंखा चल रहा है, जिसको आप लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हो. हिंदी में क्या? क्या? पंखा चल रहा है. इंग्लिश में what fan is मूविंग, एक्सक्लेमेटरी साइन. सुनने में क्या है? विस्मयबोधक वाक्य. मीनिंग वाइज एक्सक्लेमेटरी, एक्स सी एल ए एम ए टी ओ आर वाय, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. मीनिंग वाइज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पॉइंट बी एंड पॉइंट सी we have to discuss, okay, after some time. That is the sentence shape karke aap already likh chuka ho. Okay, next point B and point C. Point B mein hum discuss karte hain mood.
मूड के हिसाब से. माई पर्पस इज टू हाईलाइट दिस पॉइंट. सो इन द बिगिनिंग आई डिड नॉट मेक डायरेक्ट डिस्कशन ऑफ द मूड, द मूड हियर एंड द मूड हियर एंड द मूड हियर. जानबूझ के मैं यहां पर डायरेक्टली मूड को डिस्कस नहीं किया, बिकॉज दिस फैक्ट मैन नॉट बी नोन टू यू. एंड इफ दिस इज सपोज यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट वॉट इट मीन्स बाय मूड, सो इट विल हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू टू जस्ट कैच द फैक्ट. तो इसलिए फर्स्ट आई विल बी हैविंग सम आई विल मेक सम क्लैरिफिकेशन, आई विल क्लैरिफाई समथिंग अबाउट द मूड, देन आई विल बी प्रोसीडिंग. दैट इज सो मूड. मूड को हम लोग यहाँ पर जस्ट आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मूड. टेक टू सेंटेंसेस फॉर एग्जाम्पल, फैन इज मूविंग, नॉट, दिस इज नॉट, फैन इज मूविंग. नंबर वन एग्जाम्पल. नंबर टू, यदि पंखा चल रहा होता, इफ फैन वेर मूविंग. मूड, मूड मत, मूड मीन्स वॉट. सपोज आई आस्क यू हाउ इज योर मूड, मीन्स वॉट, आर यू हैप्पी, आर यू सैडन्ड, आर यू वेरी, हाउ इज योर मेंटल कंडीशन, आपका मन कैसा है. दैट इज मूड मतलब मन. तो वर्ब जो है, वर्ब इज आई मीन ग्रामेटिकली प्रेजेंटेड एज ए स्पीकिंग पर्सनालिटी. इन एवरी सेंटेंस यू विल फाइंड ए वर्ब इन द प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में एक वर्ब का होना अनिवार्य है, क्योंकि वर्ब का काम है सब्जेक्ट के बारे में बताना. वर्ब को ग्रामर में जीता जागता आदमी की तरह पेश किया गया है. सो इन द प्रेडिकेट द एग्जिस्टेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ अ वर्ब इज वेरी मच श्योर. सो फैन इज मूविंग, ये इज मूविंग वर्ब है. पंखा, यदि पंखा चल रहा होता, चल रहा होता वर्ब है. चल रहा, चल रहा, मूविंग मीन्स चल रहा, है मीन्स इज, मूविंग मीन्स चल रहा, होता मीन्स वेयर. तो चल रहा है जो क्रिया का रूप है वो फैन के बारे में बता रहा है. तो ये क्या बता रहा है, और चल रहा होता ये भी पंखा के बारे में बता रहा है, ये भी बता रहा है और ये भी बता रहा है. यहां से क्या पता चल रहा है, पंखा के बारे में सच्चाई पता चल रहा है. सच्चाई मतलब पंखा के बारे में दर्शा रहा है. दर्शा रहा है मतलब क्या, इंडिकेट कर रहा है. इंडिकेट को क्या बोलते हैं, इंडिकेट, इंडिकेट कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं इंडिकेटिव मूड. इंडिकेट वर्ड से बना है, इसलिए क्रिया यहां पर इंडिकेटिव मूड में है. उसका मन है इंडिकेट करना, इसलिए इंडिकेटिव हो गया. यहां पर क्रिया सच नहीं बता रहा है, इसका बताने का, ये जो बता रहा है इसके बारे में कल्पनात्मक रूप से इसको बता रहा है, ऑप्ट कर रहा है, इससे उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव मूड. ऑप्ट वर्ड से बना है ऑप्टेटिव. सपोज यू मे आस्क, सपोज आई पुट इफ इन द फर्स्ट सेंटेंस, इफ फैन इज मूविंग, क्या इफ यहां पर लगा देना, यदि यहां पर लगा देने से, यदि मतलब इफ, यदि पंखा चल रहा है, यदि लगा देने से क्या यह सेंटेंस कल्पनात्मक में परिवर्तित हो जाएगा क्या. सपोज एक ब्लाइंड मैन सिटिंग इन अ रूम, एक अंधा आदमी कमरे में बैठा है, उसने एक आदमी को कहा प्लीज पंखा को चला दीजिए. दूसरा आदमी, द नेक्स्ट पर्सन सेड पंखा चल रहा है, तो अंधा आदमी बोल रहा है यदि पंखा चल रहा है तो गर्म क्यों लग रहा है. तो यहां पर यदि लग जाने पर भी सेंटेंस कल्पनात्मक में चेंज नहीं हो रहा है. अंधा आदमी बोल रहा है यदि सच में चल रहा है तो गर्म क्यों लग रहा है. सो हियर पुटिंग इफ डज नॉट एंश्योर द सेंटेंस टू बी चेंज इनटू एन ऑप्टेटिव वन. इफ लगा देने से सेंटेंस ऑप्टेटिव नहीं हो जाएगा, इसलिए यहां पर इफ जो है इट डज नॉट मेक द सेंटेंस ऑप्टेटिव. रैदर बल्कि जो वर्ब का वर्ब है वो इंडिकेटिव ऑप्टेटिव मोड में है. तो मूड कहां से निकल रहा है, क्रिया से. कौन सा क्रिया, जो डायरेक्टली शब्द के साथ कनेक्ट हो जाएगा. अनदर थिंग इज फॉर एग्जाम्पल यू फाइंड, आपको ये फील होगा इंग्लिश सेंटेंस जब बनाने जाते हो, फॉर एवरी हिंदी वर्ड देयर इज ए वर्ड इन इंग्लिश गिविंग द सेम मीनिंग. पंखा मतलब फैन, चल रहा मतलब मूविंग, है मतलब इफ, यदि माने इफ,
पंखा होना फैन, चल रहा मतलब मूविंग, होता मतलब वेयर। सो चल रहा है और चल रहा होता, तो ये जो वास्तविकता का भाव है कहां से निकल रहे हैं, चल रहा से निकल रहा है कि है से निकल रहा है, उसी प्रकार से जो कल्पनात्मक है चल रहा से निकल रहा है कि होता से निकल रहा है, यहां भी चल रहा है यहां भी चल रहा है, बट डिफरेंस इज यहां पर है और यहां पर होता, यहां से मोड निकल रहा है और यहां से मोड निकल रहा है। ये क्या है, ये जो भर्व है मूव क्रिया का रूप यहां से यहां तक, मूव क्रिया का रूप यहां से यहां तक है, और मूव क्रिया का ये रूप डायरेक्टली शब्द के साथ कनेक्ट हो गया, मूव क्रिया का ये रूप डायरेक्टली शब्द के साथ कनेक्ट हो गया, क्रिया का जो रूप कनेक्ट हो गया वहां से मोड निकलेगा, जो रूप कनेक्ट हो गया वहां से मोड निकलेगा, यहां से कौन सा मोड इंडिकेटिव, कौन सा मोड इंडिकेटिव, दैट इज मीन्स द मोड कम्स आउट फ्रॉम द टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स क्रिया का जो रूप डायरेक्टली शब्द के साथ कनेक्ट होगा जिसको हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड टेंस। ओके, मीन्स क्रिया जब शब्द के साथ जुड़े तो वहां से मोड पैदा होगा। ओके, अब मोड यहां पर आप इंडिकेटिव डिस्कस कर चुके हो, यहां पर ऑपरेटिव डिस्कस कर चुके, यू मैट बी आस्किंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड विल बी देयर, मोड कितने प्रकार के होते हैं, टू अंडरस्टैंड दैट, फॉर एग्जाम्पल पंखा चल रहा है से वास्तविकता निकला, पंखा नहीं चल रहा है यहां पर भी है इसलिए वास्तविकता निकला, क्या पंखा चल रहा है लास्ट में है लगा इसलिए यहां पर भी वास्तविकता निकला, पंखा को चलाइए चलाइए बोलने से यहां पर वास्तविकता नहीं निकला, सुनने पर ऐसा लग रहा है कि यहां पर आदेश का भाव निकल रहा है। सो हियर द सेंटेंस मीनिंग के हिसाब से भी इंपेरेटिव है और मूड के हिसाब से भी इंपेरेटिव है, लेकिन ये सेंटेंस मीनिंग के हिसाब से अफर्मेटिव और मूड के हिसाब से क्या है, इंडिकेटिव है। ये सेंटेंस मीनिंग के हिसाब से सुनने में लग रहा है नेगेटिव, लेकिन मूड क्या है, इंडिकेटिव है। ये सेंटेंस सुनने में प्रश्न लग रहा है लेकिन क्रिया को देखने पर कैसे लग रहा है, इंडिकेटिव लग रहा है, दैट इज ओके। सो मूड कितने प्रकार के होते हैं, दैट इज ओके। व्हेन यू एनालाइज द सिक्स टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट वी हैव मेंशनड, विल कम टू नो, विल कम टू रियलाइज हाउ मेनी मोड्स माइट बी देयर, विल बी देयर, दैट इज। तो यहां पर कौन सा मूड है, वास्तविकता बता रहा है इसलिए ये हो गया इंडिकेटिव मोड, यहां पर भी है लगा है पंखा नहीं चल रहा है इसलिए यहां पर मोड, मोड वाइज यहां पर कौन सा मोड है, यहां पर भी इंडिकेटिव मोड है, क्या पंखा चल रहा है यहां पर भी वास्तविकता के बारे में सवाल किया जा रहा है, क्या पंखा चल रहा है बोल रहा है, दैट इज मोड, मोड वाइज यहां पर भी क्या है, इंडिकेटिव मोड है। यहां पर सेंटेंस मीनिंग में के हिसाब से भी इंपरेटिव है और मूड के हिसाब से भी इंपरेटिव है। मूड वाइज इंपरेटिव, मूड वाइज इंपरेटिव, ओके, दैट इज, दिस इज सेपरेट वन, ओके। नेक्स्ट, यदि पंखा चल रहा होता, मीनिंग के हिसाब से भी कल्पनात्मक और मूड के हिसाब से भी कल्पनात्मक, मूड वाइज ऑब्जेक्टिव, यदि पंखा चल रहा होता, होता बोलने से कल्पनात्मक निकला, पंखा को चलाइए चलाइए बोलने से यहां पर इंपरेटिव निकला, ओके, दैट इज ओके। क्या पंखा चल रहा है लास्ट में है लगा है मतलब क्या, क्रिया वास्तविकता बता रहा है। मूड वाइज यानी मूड के हिसाब से इंडिकेटिव, ओके। वी हैव नॉट डिस्कस्ड द पॉइंट नंबर से, अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन पॉइंट बी वी स्टडीड द मोड्स, ओके। तो हाउ मेनी मोड्स आर देयर, नंबर वन इंडिकेटिव, 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 इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, तो यहां भी इंडिकेटिव, हियर ऑल्सो यू फाइंड इंडिकेटिव, हियर ऑल्सो यू फाइंड इंडिकेटिव, हियर ऑल्सो यू फाइंड इंडिकेटिव, एंड हियर ऑल्सो यू फाइंड इंडिकेटिव। इंडिकेटिव एक प्रकार का हो गया, दूसरा कौन सा, इंपरेटिव मोड है दिस इज, एंड यह ऑपरेटिव मोड,
तो मोड्स आर थ्री इन काइंड्स, नोट करके इसमें यहां पर लिख दीजिए, राइट डाउन दैट एज नोट, नोट मोड क्या क्या है। नंबर वन इंडिकेटिव, नंबर टू इंपरेटिव, नंबर थ्री ऑप्टेटिव। ओके दैट इज इंडिकेटिव मीन्स वास्तविकता, इंपरेटिव मीन्स आदेश प्रार्थना, ऑप्टेटिव मीन्स कल्पना इच्छा और चाह। ओके दैट इज सो पॉइंट नंबर सी इज लैप्ड, बट टिल नाउ वी हैव स्टडीड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर मीनिंग वाइज एंड इन हाउ मेनी मोड्स ए सेंटेंस माइट बी। इन एवरी सेंटेंस यू फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए मोड, विदाउट मोड ए सेंटेंस कैन नॉट बी मेड, सिंपली सेंटेंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट हैविंग ए मोड। रायगढ़ में बहुत उद्योग हैं, वास्तविकता रायगढ़ में उद्योग हो कल्पना इच्छा, भारत में जीते ऑप्टेटिव, आज बारिश हो ऑप्टेटिव, आपको यह नौकरी मिले ऑप्टेटिव, दैट इज वहां जाइए इंपरेटिव, एक ग्लास पानी लाइए इंपरेटिव। सो इन एवरी सेंटेंस देयर मस्ट बी a subject part and a predicate part, and in the predicate part you will find a verb form, predicate mein ek verb ko form aapko milega jo directly subject ke sath connect hai, aur jab subject ke sath connect ho jayega wahan se koi na koi mode nikalna anivarya hai। Whenever there is a predicate, in the predicate there must be a verb form that directly connects with the subject, and from that form a mode will be coming out, and you have to realize the identity of the mode in every sentence. So today's class highlighted the mode. In today's class the most important point of study was, that is mode. In our next class, but till now another thing is clear, we have not studied about C. So in the next class we'll be studying point number C. So okay, our today's class ends here, the series to be continued. This was our second in the lecture series to be continued. Okay, so let us stop today's class. Thank you.